हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और एक बार फिर हम आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, बिना किसी भी देरी के इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। फर्स्ट, आखिर क्या है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट? सेकेंडली, किस कारण एक बार फिर से मोदी सरकार को फेस करना पड़ रहा है ये मोशन? थर्डली, कितनी बार देश में सरकारों को इसका सामना करना पड़ा? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून। सो गाइज, एज वी ऑल नो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस देश के हर एक नागरिक को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात बिना किसी भी डर या रुकावट के सबके सामने रखे। देश की 26 ओपोजिशन पार्टीज साथ में मिलके बना चुकी है INDIA, इंडिया नाम की अलायंस सरकार के खिलाफ, जिसके बाद 26 जुलाई को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया गया मोदी सरकार के खिलाफ। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है क्या और क्यों ये देश की राजनीति में फेरबदल कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ओपोजिशन पार्टीज रूलिंग पार्टी के खिलाफ लाती हैं, जब वो सरकार के काम और उनके लिए गए फैसलों से खुश ना हो। इस अविश्वास प्रस्ताव में ओपोजिशन पार्टी करंट पार्टी के मेजॉरिटी को चैलेंज करती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दोनों पक्षों के बीच में डिबेट होती है, जहां दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। डिबेट के बाद वोटिंग की जाती है कि लोकसभा की मेजॉरिटी मेंबर्स किसके साथ हैं, जिसके बाद फैसला लिया जाता है। ये फैसला देश की सरकार बदल सकती है, क्योंकि अगर इंडिया को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो मोदी सरकार की तो छुट्टी हो जाएगी। पर रुकिए, अगर आप मोदी सरकार के सपोर्टर हैं तो ये कोई परेशान होने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी मेजॉरिटी में है 303 सीट्स के साथ, तो वहीं इंडिया के पास 272 सीट्स हैं। अब इससे ये बात तो साफ है कि बीजेपी की सरकार गिरना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आखिर मोदी सरकार के खिलाफ ये कदम क्यों उठाया गया, ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। तो हम आपको बता दें कि ये सब हुआ है मणिपुर में हुए बहुत ही दिल दहला देने वाले अपराध के चलते, जहां पे दो औरतों के साथ एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ, जिसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ओपोजिशन पार्टी ने सरकार पे कई सारे सवाल भी उठाए, जैसे कि क्यों एक्शन नहीं लिया गया अपराधों के खिलाफ, अभी तक मणिपुर के CM ने अपना पद क्यों नहीं छोड़ा। इन्हीं सारे सवालों के बीच है मोदी सरकार। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है किसी रूलिंग पार्टी के खिलाफ ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया हो? भारत में साल 1963 से लेकर अभी तक 28 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। बस इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी तो ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने 15 बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का सामना किया। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और PV नरसिम्हा राव ने 3 बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का सामना किया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अब तक 2 बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कर चुके हैं। सो आई होप कि अब आपको इस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर इससे जुड़े और भी सवाल आपके दिमाग में हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। तो दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि क्या आप इस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से सहमत हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट YouTube चैनल क्लासिक पीपल्स।